हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना शर्मा अपने चैनल चाची किचन कुकबुक पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ गाजर के पराठे, जो कि हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। गाजर का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले अपना डो लगाते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है, 1/4 चम्मच नमक और 1 छोटी चम्मच कुकिंग ऑयल। इसको मसलने के लिए मैंने गुनगुना पानी लिया है। अब नमक और तेल को आटे के अंदर डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस 1 कप आटे में हम लगभग 4 पराठे बना सकते हैं। इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक सॉफ्ट और स्मूथ डो तैयार करेंगे। वर्मा पराठे में हमेशा डो बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए। अब पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो इससे एक तो पानी ज़्यादा नहीं होगा और स्मूथ सॉफ्ट डो बनता है। देखिए हमारा डो लगकर तैयार हो गया। इतना सॉफ्ट होना चाहिए, देखिए ये बिल्कुल आसानी से हाथ से दब रहा है ये इस तरह से। अब क्योंकि हमने इसे गुनगुने पानी में मसला है तो इसे सेट होने में भी ज़्यादा देर नहीं लगेगी, इसलिए इसे 15 मिनट के लिए हम ढक कर रख देंगे। इतने गाजर तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 2 गाजर लिए हैं जिन्हें मैंने छील कर कद्दूकस कर लिया है, यानी कि ग्रेट करके रख लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच नमक और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और फिर इसके बाद इसे निचोड़ लेंगे। आप चाहें तो इसे कपड़े में भी निचोड़ सकते हैं और हाथ से भी इस तरह से निचोड़ सकते हैं। देखिए कितना सारा पानी निकल रहा है इसका। अब ये निचोड़ने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे मसाले। ये मैंने 2 से 3 चम्मच हरा धनिया, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आप चाहें तो हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं, 1 चम्मच कसा हुआ अदरक, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। नमक और मिर्च को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। इनके अलावा अब इसमें और कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आटा चेक कर लेते हैं। हमारा आटा बिल्कुल सेट हो चुका है। अब इसको हाथ से थोड़ा सा मसलेंगे, इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और एक लोई बनाएंगे। लोई ना तो बहुत ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ही बहुत छोटी होनी चाहिए। अब इसे सूखे आटे में लगाएंगे और गोल बेल लेंगे इस तरह से, देखिए बिल्कुल। फिर इसे सूखे आटे में अगर चिपक रही है तो दोबारा लगा लें, और अगर आपसे बेलन से इस तरह से नहीं घूमे तो आप उठा उठा के भी इसे घुमा सकते हैं। अब इसके अंदर हम स्टफिंग भरेंगे। आप इसमें जितनी आराम से स्टफिंग भर सकते हैं उतनी भरिए। इसमें मैं लगभग 4 से 5 चम्मच स्टफिंग भरूंगी और इसे ऊपर प्लेट्स बनाते हुए बंद कर देंगे। एक्स्ट्रा आप अगर नहीं निकालना चाहते तो उसी में दबा दीजिए। अब इसे अच्छी तरह से दबा कर फिर सूखे आटे में लगाएंगे और आराम से बेलन से बेलेंगे। देखिए अब इसमें ये छेद हो गए हैं तो इसमें हम सूखा आटा डाल देंगे। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे मैंने गीला आटा क्यों नहीं लगाया, सूखा आटा क्यों लगाया? क्योंकि गाजर के अंदर जो नमी होती है वो सूखे आटे को गीला कर देती है और आसानी से आपका पराठा बिल जाता है। देखिए हमारा पराठा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब तवे पर 1 चम्मच ऑयल लगाएंगे, पराठे को इस पर डाल देंगे और 3 से 4 सेकंड में हम इसे पलट देंगे। अब दूसरी तरफ से सिकने देंगे। इसके ऊपर 2 चम्मच ऑयल लगाएंगे, दूसरी तरफ से 10-12 सेकंड सिकने के बाद अब हम इसे पलट देंगे और गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखेंगे। अगर हम हाई फ्लेम पर पराठा सेकेंगे तो हमारा पराठा खस्ता बिल्कुल भी नहीं बनने का। ऑयल आप अपनी इच्छा के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकती हैं, लेकिन खस्ता पराठा में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। आप सोचेंगे गाजर का पराठा है, मीठा लगेगा अंदर से, लेकिन नहीं। जिस वक्त हम इसे नमक डालकर गाजर को निचोड़ देते हैं तो गाजर की सारी मिठास उसमें निकल जाती है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है पराठा। हमारा पराठा बिल्कुल सिक कर तैयार हो चुका है। कितना सुंदर कलर आया है इसका। इसी तरह से मैं और पराठे सेक लूँगी। आजकल बच्चे गाजर नहीं खाना चाहते, लेकिन गाजर उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होती है,
इसलिए आप इस तरह से गाजर को पराठे में भर कर उन्हें खिलाइए। एक तो उन्हें टेस्टी बहुत लगेगा और गाजर का पता भी नहीं चलेगा और देखने में भी ये पराठा बहुत ही सुंदर लगता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।